किया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इस बात के महत्व को समझा है सुनील सातपुते जी ने, जो उन बच्चों की ज़रूरतों को समझकर उनको शिक्षा देते हैं जिनकी ज़रूरतों से शायद उनके जन्मदाता भी महरूम है। यह है सुनील सातपुते, जो घरकुल नामक एक स्कूल चलाते हैं। 3 कमरों वाले इस स्कूल में तकरीबन 50 से अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज के ठीक 10 साल पहले यानी साल 2007 में सुनील सातपुते ने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था जिसे घरकुल नाम दिया था। इस घरकुल में आने वाले ज्यादातर बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। बच्चे ऐसे मतलब इतने मासूम होते हैं कि उनको कुछ भी चीज़ का ये नहीं होता है, उनको हर चीज़ स्टेप टू स्टेप सिखानी पड़ती है। सुनील जी, जो ये बच्चे हैं ये चैलेंज बच्चे हैं, मेंटली चैलेंज, फिजिकली चैलेंज है, तो इनको जो आप एजुकेट और स्किल्ड करने का काम कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में कैसे आया? जी इन बच्चों की समस्या बहुत बड़ी है। मैं भी एक ऐसे स्लम्स कम्युनिटी से आया हूँ, तो गरीबी क्या होती है, गरीबी में रहना क्या होता है, ये मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया है। और इन बच्चों की तो फिर और भी बहुत सारी समस्या होती हो सकती है। यदि ऐसा बच्चा फाइनेंशियली गरीब होगा और स्पेशल बच्चा होगा तो शायद उस फैमिली पे क्या बीतती होगी, थोड़ा सा सोच के भी डर लग रहा है। हमें शायद बहुत सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि जब मुझे मेरे पास ये बच्चे संपर्क में आए तो इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा। और ये अभियान मैंने 2007 में शुरू किया। और अब से जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास लगभग 8 बच्चे थे और कुछ भी हमारे पास नहीं था, कुछ फंड नहीं था, मैन पावर नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में हमने ये काम की शुरुआत की। अब हमारे पास लगभग 50 बच्चे जो झुग्गियों में झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे हमारे पास आते हैं और उन्हें हम स्पेशल एजुकेशन का महत्व समझा रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बच्चे कतारों में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। अमूमन सभी स्कूलों में इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। एक नज़र में आप इन सभी बच्चों को आम बच्चों की तरह समझेंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सभी बच्चे स्पेशल चाइल्ड हैं। आपकी आंखें इन्हें देखकर धोखा खा सकती हैं कि भला स्पेशल चाइल्ड भी हो सकते हैं। ये घरकुल की बात करूँ तो आप सिर्फ 3 कमरे में घरकुल चला रहे हैं और बच्चे आपके पास 2 कमरे में चला रहे हैं और बच्चे आपके पास 50 हैं, तो 50 बच्चों को आप एक साथ बैठ के तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो आप उन बच्चों को कैसे समझ रहे हैं कि ये बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए है या बच्चा फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए है या टेंथ स्टैंडर्ड के लिए, वो कैसे आप डिस्टिंग्विश करते हैं? एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बच्चे स्पेशल है, इसलिए हम लोग इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो हर एक बच्चे को अलग अलग लेवल के हिसाब से हम लोगों ने डिवाइड किया है। जैसे प्रोफाउंड में प्रोफाउंड क्लास है तो वहाँ पर सिर्फ प्रोफाउंड और सीवियर के बच्चे हैं जिनको ADL स्किल डेवलप करनी है, उनको ADL के थ्रू ही वहाँ पर सिखाया जाता है। और माइल्ड, मॉडरेट लेवल जो बच्चे की एकेडमिक अच्छी है तो उनको एकेडमिक के बच्चों को अलग क्लास में डाला है। जैसे उनको अगर एकेडमिक लेवल अच्छी है तो उनको इंग्लिश और मैथ पे ज़्यादा, लैंग्वेज पे ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। जो ये बच्चे दिख रहे हैं इनमें अद्भुत क्षमता है, ये बच्चे बहुत ही खास है, इन बच्चों को सहारे की ज़रूरत होती है, अभिभावकों को भी इन बच्चों से बहुत ही लगाव होता है। सुनील सातपुते का कहना है कि अगर प्राइवेट कंपनियां इन बच्चों को मौका दें तो ये अपने भविष्य को संवार सकते हैं। भक्ति जी, जो ये बच्चे हैं ये स्पेशली चैलेंज्ड हैं, तो जब ये बड़े हो जा रहे हैं यानी 18 क्रॉस कर जा रहे हैं, उसके बाद आपका क्या प्लान है? उनके लिए वोकेशन हम ट्राई कर रहे हैं, उनको स्किल तो हमने बता दी, सिखाई है, मगर हम चाहते हैं कि इनको इंक्लूजन कॉरपोरेट सेक्टर में करवाया जाए या कोई भी काम उनको दिया जाए, या इनको कुछ तो इंक्लूजन होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि उनको स्टैंड खुद के पैर पे तो अभी है, अभी उनकी लाइफ स्किल तो बहुत सारी अच्छी है, मगर कोई उनको काम नहीं दे रहा है और ये काम देने के लिए ही हम कॉरपोरेट को अप्रोच हो रहे हैं। कर रहे हैं बच्चों को आइडेंटिफिकेशन सिखा रहे हैं, बच्चों को कॉग्निटिव स्किल डेवलप कर रहे हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं है तो स्टेप टू से फ्लैश कार्ड्स एग्जांपल्स दे दे के बच्चों को वहाँ तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अथर को प्रॉब्लम क्या है? वो मतलब CP है, उसको मतलब चलने के लिए बैठने के लिए अभी होता नहीं है, लेकिन अभी पहले से काफ़ी उसमें फ़र्क आया है। वो अभी थोड़ा स्टैंडिंग पोजिशन में मतलब खड़ा रहता है बैलेंस दे के पैरों पर, तो अभी उसको थोड़ा बेटर है। और पहले मतलब वो सिर्फ आई बोलता था,
अभी वो काका दादा मामा सबके नाम लेना भी अभी उसने स्टार्ट किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। इन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए इन्हें दीपावली के दिए बनाना, उन्हें रंगना और सजाना सिखाया जा रहा है। ऐसे बहुत ही कार्य हैं जो इन बच्चों को सिखाए जाते हैं ताकि ये दूसरों पर निर्भर ना करें, ताकि भविष्य में ये अपने कदमों पर खड़े हो। इन बच्चों के लिए आपका फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, अभी इन बच्चों का जैसे स्कूलिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बाद उनका नौकरी के संदर्भ में भी काम होना बहुत ज़रूरी है। अब तो हम यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, मगर इस वोकेशनल ट्रेनिंग से में हम दिए बनाना, फोटो फ्रेम बनाना, इनवलप बनाना, अगरबत्ती बनाना, इनसे इनकी ज़िंदगी सवर नहीं सकती है। इसके लिए बहुत बड़ा प्रस्पेक्टिव सामने रखना ज़रूरी है। पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे इनके? पेरेंट्स से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मेरे जितने पेरेंट्स हैं, मैं इनको हर बार यही कहते रहता हूँ कि इन बच्चे को पहले स्वीकार कीजिए, और सबसे पहली ये धन्यवाद, भगवान को आप धन्यवाद कह दीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको स्पेशल चाइल्ड भेजा है। भगवान ने यही सोच के आपके पास स्पेशल चाइल्ड छोड़ा है, क्योंकि आप उस बच्चे को ठीक से हैंडल कर सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, इनके साथ आपको कैसा लगता है? बच्चों के साथ हम लोग को काम करने में बड़ी खुशी होती है। जब भी बच्चा कोई एक्टिविटीज़ करता है, नया कुछ सीख जाता है, तो हम लोग सब टीचर्स हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। मन मन में हम लोग सोचते रहते हैं, अरे बच्चा बहुत अच्छा सीख रहा है। सुनील सातपुते जी और उनका घरकुल उन चंद लोगों में से एक हैं जो निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा कर भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। कॉरपोरेट कंपनियों से उनकी गुजारिश है कि वो उनके बच्चों को जॉब देकर उनकी सहायता करें। ऐसे में देखना यह है कि उनकी पहल कितना रंग लाती है।